Jalam, across Pakistan. This is FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jalam, across Pakistan. This is FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jalam, across Pakistan. This is FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jalam, across Pakistan. This is FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan. अलराइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सभी सुनने वालों को और सभी देखने वालों को फैसल अली खान का बहुत बहुत सलाम। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं एफ एम 100 पाकिस्तान से हमारी नशरियात भी और सुन भी रहे हैं। और प्रोग्राम जी है सेहत की बात वेरिक के साथ, और सेहत की बात वेरिक के साथ। एंड दिस प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय वेरिक फार्मास्यूटिकल्स। और हमारे साथ यकीनन डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर माहिरा शफी हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकाट्री एट बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। और बात बहुत अहम है और ये बात हम सबके इर्द गिर्द घूमती है। जी हाँ, बीमारी की बहुत सारी अलामत होती हैं, लेकिन एक बीमारी ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं जी OCD। हाँ जी, ये OCD क्या है, OCD किस बीमारी को कहते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे बहुत हल्की आ रही है। अब आ रही है? बेहतर है। अच्छा, बेहतर है। चलें डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है आपकी, क्या कैसे मिजाज है? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। और डॉक्टर माहिरा शफी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जी, आवाज आ रही है? आवाज कम आ रही है। अच्छा जी, हेलो जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, हम जो आज बात कर रहे हैं, जो हमारा आज टॉपिक है, वो है जी OCD। OCD के बारे में हम जानना चाहेंगे कि वहम की बीमारी यानी OCD क्या है ये? देखिए, आम जबान में इस बीमारी को, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी को, वहम की बीमारी है। ठीक है। इस बीमारी में मरीज के जहन में बार बार जहन ख्याल और शुक्र शहबाज और दफ्तर आती है। उनके बाद दफा ये जहन जो है वो तुलसी लिहाज के भी होते हैं, तशद पर भी मरदी होते हैं। मरीज को पता होता है कि ये ख्याल और बहन जो है वो फजूल है और उनकी मर्जी के खिलाफ जहन में आ रहे हैं। कोशिश होने के बावजूद बहन और ख्याल को दिमाग से निकाल नहीं सकते। चूंकि ये ख्यालात और बहन बहुत अर्से तक जहन में रहते हैं, इसकी वजह से मरीज को बहुत डिस्ट्रेस होता है, उसको घबराहट, उसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है। और उसकी वजह से बार बार तकाजा होता है कि वो बार बार किसी भी अमर को दोहराए या रिपीट करे। मतलब कि आपने देखा होगा कि बाद लोग काफी लंबे अर्से तक हाथ धोते रहते हैं या तकरीबन बहुत ज्यादा मरतबा दरवाजा चेक करते हैं कि कहीं दरवाजा खुला तो नहीं रह गया, या चूहे चेक करना, या फिर बार बार किसी भी काम को रिपीट करना। सही। उन्होंने जिस तरह के मरीज जो बार बार इन कामों को दोहराते हैं, तो उनको इस बार बार की जो अमल है उससे मजीद घबराहट उनकी बढ़ने लगती है। सही। बार दफा मरीज इस अमल को इसलिए भी दोहराते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर वो ये अमल को नहीं दोहराएंगे तो उनके या उनके घर वालों पर कोई मुसीबत आ सकती है। अच्छा। क्योंकि ये ख्याल और बहन बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, मरीज कोशिश करने के बावजूद ख्याल को अपने बहन से निकाल नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका दिन का बिस्तर हिस्सा इस अमल को दोहराने में गुजरता है और उनकी फंक्शनल लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी उनकी
मतलब जिंदगी की मसरूफियात है, ताल्लुकात है, जॉब परफॉर्मेंस है, सोशल परफॉर्मेंस है, स्कूल परफॉर्मेंस है, वो मुतासर हो सकती है। जब से ख्यालात वहम इतने शदीद हो जाएं कि डिस्ट्रेस प्रोड्यूस करें और आपकी फंक्शनल ऑक्यूपेशनल या सोशल लाइफ को मुतासर कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मुतासर कर रहे हो, तो फिर हम इसको ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी कहते हैं। अच्छा 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 डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये बीमारी जो है किस उम्र में ये शुरू होती है, यानी कि किस उम्र से शुरू होती है? जी बहुत अच्छा सवाल है ये। हमने ये जो देखा है कि हमारे पास जो मरीज आते हैं उसमें लड़कपन के अंदर यानी ये 20 से 22 साल की उम्र में ये बीमारी शुरू होती है। बाज़ ऐसा भी होता है कि अलामात जो है वो शुरू होती है और फिर खुद ही खत्म हो जाती है। अच्छा। और फिर दोबारा भी आ जाती है। मगर उमूमन ये भी देखते हैं कि मरीज उस वक्त तक मदद के लिए जब उदक के लिए रुजू करते हैं डॉक्टर्स के पास, उस वक्त ये बीमारी शुरू हुए हुए काफी अर्सा या काफी साल हो चुके होते हैं। सही सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि वजूहात क्या होती है, मतलब आपने कहा ना लड़कपन में शुरू हो जाती है और उसके बाद आते हैं, लेकिन वजूहात क्या होती है? मतलब कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स सूरत हाल हो जाती है, पढ़ाई का मसला होता है, या आप बहुत सारी वजूहात हो सकती है ना, आप क्या समझती है कि मेन रीजन क्या होता है? देखिए अगर हम कोई भी डिसऑर्डर की बात करते हैं, बीमारी की बात करते हैं, तो बहुत सारी वजूहात होती हैं। अच्छा। हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वजूहात को डिवाइड करते हैं तीन फैक्टर्स के ऊपर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स। सही है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि बाज लोगों में देखा गया है कि बीमारी मौरूसी होती है, यानी कि अगर खानदान में किसी एक मर्ज को कोई मरीज है या खानदान में किसी एक फर्द को बीमारी है जी जी। तो फिर दूसरे लोगों को भी ये बीमारी पाई जाती है, यानी जीन तो विरासत से इसका ताल्लुक है। अच्छा अच्छा। तो दूसरा कुछ फैक्टर्स होते हैं कि ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरो ट्रांसमिटर्स होते हैं, हमारे ब्रेन के कुछ एरियाज होते हैं जिसके अंदर जो रिसर्च कहती है उसके हिसाब से सेरोटोनिन एक न्यूरो ट्रांसमिटर है। अच्छा। उसके अंदर जो है कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई उसमें उसकी कमी या ज्यादती जो है वो उस बीमारी का बायस बन सकती है। सही ठीक है ठीक। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की जहाँ हम बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बाज लोगों की शख्सियत के अंदर जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होना, बहुत ज्यादा सलीकामंद होना, बहुत ज्यादा सफाई पसंद होना, उन्हें भी आदतें अच्छी कंसिडर की जाती हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा शदीद हो जाए तो बाज दफा ये भी देखा गया है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी को पैदा कर सकती है। सही 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 सही। अच्छा फिर कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि जिंदगी में अगर कोई अचानक तब्दीली आ जाए, जैसे कि ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाए या कोई चेंज आए, सही कोई स्ट्रेस आए, कोई नौकरी का चेंज आया है, सही या कोई लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो वो भी बार दफा इस बीमारी को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं या फिर जो है वो ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा क्योंकि आपने कहा कि साइकोलॉजिकल भी होता है, बायोलॉजिकल भी होता है, सोशल भी होता है, मर्दों में ज्यादा पाई जाती है ये बीमारी, खवातीन में ज्यादा पाई जाती है, या इसको अगर ऑन अ लाइटर मोड हम ये कहें कि बेगमात में ज्यादा पाई जाती है या शहरों में ज्यादा पाई जाती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये उन्होंने देखिए जब हम अभी आगे काम की बात करेंगे ऑब्सेशन, तो ये सिर्फ सफाई सुथराई के ऑब्सेशन नहीं होते, और भी बहुत सारे ऑब्सेशन होते हैं। सही। तो कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि औरतों में ज्यादा पाई जाती है, और कुछ रिसर्चेस जो कह रहे हैं वो ये कहती हैं कि इसका तनासुब मर्दों और औरतों दोनों में बराबर है। सही है ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बीमारी है ओसीडी, ये कितनी कॉमन है हमारे इस मुल्क में, कितनी कॉमन है? देखिए नॉर्मल हम सब लोगों के साथ ये चीज होती है, और के ख्यालात जो है वो बहन में आते हैं, और अक्सर औकात हमें बहन भी आते हैं, लेकिन उमूमन हम इन ख्यालात को कंट्रोल कर लेते हैं। ये हमें बहुत ज्यादा देर तक डिस्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस कर रहे होते, या फिर ये हमारी ऑक्यूपेशनल या जो हमारी फंक्शनल लाइफ है, जो हमारी कामकाज करने की सलाहियत है, उसको मुतासर नहीं कर रहे होते। सही। लेकिन जब ये मैंने पहले जैसा अर्ज किया कि अगर ये डिसऑर्डर बन जाता है तो फिर हम इसे बीमारी कहते हैं, तो तकरीबन इसका तनासुब जो है वो रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली 2-3%
इसका तनासुब है इस बीमारी का। सही सही सही। चले जनाब, आप सुन रहे हैं सेहत की बात विवेक के साथ, और एंड दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वेरिक फार्मास्यूटिकल। डॉक्टर माहिरा शफी हमारे साथ मौजूद है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री एट बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और टॉपिक है जो है आज का हमारा है OCD, यानी वहम की बीमारी जो है ये आम हो गई है, और छोटी छोटी बातों पे वहम करना, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ रखना, कोई वहाँ से यहाँ रखना, मतलब अजीब हो गरीब। सो ताल्लुकात भी हैं, आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, आप अपने काम काज में मौजूद हैं, और डॉक्टर का कितना अहम किरदार है, काउंसलिंग का कितना। डॉक्टर साहब, काउंसिल किस तरह करती हैं आप, ये बताइए मुझे, आप जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो इस बीमारी में काउंसलिंग कितनी अहम है। देखिए, सबसे पहले तो एक हम काउंसलिंग का वर्ड यूज करते हैं, सबसे पहले एक वर्ड टर्म हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशनल केयर के हवाले से। ये बात जी जी। जब मरीज हमारे पास आते हैं और हम एक बाकायदा एक हमारा एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, हम उसको देख के अगर हमने मरीज को डायग्नोज कर लिया है, पूरा एक बाकायदा हिस्ट्री पैटर्न होता है, फिर एक पूरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, अगर ये बीमारी डायग्नोज कर लेते हैं तो सबसे पहले इंफॉर्मेशनल केयर यानी इस बीमारी के बारे में मरीज को बताना, ये बहुत एक अहम चीज है। मरीज और इसके घर वालों को ये बताना कि आपको इलाज की जरूरत है या आपको कोई बीमारी है। तो सबसे पहले तो ये काउंसलिंग की जाती है, मरीज को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर की जाती है इस बीमारी के हवाले से। सही, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप तरीकाकार इलाज के तरीकाकार की बात करते हैं ना, तो हम जो भी नफ्सियात में हमारे इलाज फटाखी में जो भी इलाज का तरीकाकार है, वो दो तरह के तरीकाकार होते हैं। एक हमारा होता है एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात, और दूसरा कुछ थेरेपी होती है, साइकोथेरेपी, जिनको आम जबान में बातचीत का इलाज कहा जाता है, बातचीत से इलाज कहा जाता है। ठीक है। तो अगर जी बोलिए बोलिए, हम इलाज की बात कर रहे हैं, अभी हम इलाज की बात कर रहे हैं जी जी। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप ये बता रही थी कि ये इसके बारे में जो है आम ये बीमारी जो है इस हवाले से काउंसलिंग के हवाले से, लेकिन अभी मुझे बताइए कि इसकी जो आम इकसाम है वो क्या है, OCD की आम इकसाम क्या है। अच्छा, OCD की आम इकसाम के अंदर जो है, सबसे पहले तो जिसको हम ऑब्सेशन सिंड्रोम्स का भी इसमें हम जिक्र करते हैं, तो गंदगी के ख्यालात का आना, सफाई सुथराई के हवाले से जो ख्यालात होते हैं उनका आना होता है, जिसके रिस्पॉन्स में मरीज जो है वो बहुत मरतबा हाथ धोते हैं, और तकरीबन ये 50-60 मरतबा तक, यानी कोई लिमिट नहीं है, कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है कि मैं बताऊं कि कितनी मरतबा मरीज हाथ धोते हैं। ठीक है। अच्छा, सही। इसके अलावा फिर एक एग्जाम होती है जिसमें मरीज को काम सही ना करने का वहम होता है कि उसने जो काम सेट किया है वो शायद सही नहीं किया है, इसलिए वो बार बार चेक करते हैं काम को, कि वो कितनी पेशेंट करते हैं, जैसे कि बार बार दरवाजे को चेक करना, या बार बार अलमारी को चेक करना, या ताले को चेक करना। सही। एक और एग्जाम होती है जिसमें जंस के हवाले से वहम आते हैं, या सेक्सुअल ऑर्गन्स के हवाले से वहम होते हैं। अच्छा। फिर एक कुछ लोगों को इस तरह का भी ऑब्सेशन होता है कि उन्हें बीमारी का खौफ होता है, अल्लाह ना करे उन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, उन्हें बार बार यही ख्याल आते रहते हैं कि उन्हें कोई अल्लाह ना करे उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस या फिर कोई बहुत खराब बीमारी हो गई है। सही सही सही। तो फिर मजहब के हवाले से बाद लोगों को ख्यालात आते हैं, और उम्मीद इस तरह के ख्यालात मरीज के अंदर शदीद गिल्ट और उनको एहसास गुनाह में मुब्तला करते हैं, और मरीज बहुत डिस्ट्रेस में होते हैं अगर इस तरह के उनको एहसास गुनाह के ख्यालात या गिल्ट के ख्यालात आए तो। सही सही। तो ये कॉमन टाइप्स हैं ऑब्सेशन या एग्जाम जिनको हम कह सकते हैं ऑब्सेशन OCD। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा कि OCD में जो इलाज है वो बेहतरीन किस तरह से रहता है, मतलब बेहतर इलाज किस तरह रहता है, आया कि जो है फिजियो के पास जाना चाहिए, फिजियोथेरेपी के पास होनी चाहिए, या अद्वियात का इस्तेमाल होना चाहिए। जी देखिए, दो तरह के इलाज तजवीज किए जाते हैं इस बीमारी में। एक है साइकोथेरेपी, जिसके लिए मूमन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी करते हैं। दूसरा होता है अद्वियात के जरिए इलाज। अच्छा, फिर ये कौन सा तरीका इलाज का रखना है, ये अगेन डिपेंड करता है कि मरीज को की बीमारी की मौयत क्या है, शिद्दत क्या है। सही। जैसे कि अगर ये बीमारी हल्की है, दरमियाने दर्जे की नहीं है या बहुत शदीद नहीं है, तो हल्की बीमारी या हल्की अलामत है, कम अलामत है, तो उस केसेस में साइकोथेरेपी कैन बी हेल्पफुल।
अच्छा साइकोथेरेपी, अगर ये बीमारी दरमियानी दर्जे की है या शुगर की बीमारी है तो फिर उस केसेस में उमूमन अद्वियात एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात जो है वो तजवीज की जाती है। ठीक है। और अगर ये बीमारी बहुत शदीद है तो फिर हम उस केसेस के अंदर जो है वो अद्वियात प्लस साइकोथेरेपी, जिसके अंदर बहुत सारी साइकोथेरेपीज हैं जैसे जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, सोजन एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन मेथड है, मॉडलिंग टाइप मेथड है, थॉट स्टॉपिंग है, थॉट ब्लॉकिंग है, तो ये सारी साइकोथेरेपी। ठीक है, आपने कहा पहला जो इसका स्टेज मतलब इसमें आप साइकोथेरेपी हो, देन उसके बाद अगर नहीं हो तो फिर अद्वियात, और फिर भी अगर नहीं हो तो दोनों चीजें साथ हो, साइकोथेरेपी प्लस लाइक अद्वियात के साथ हो, उसके साथ ट्रीटमेंट जो है इसका ये सही है। जी, और शिद्दत पे भी डिपेंड करता है, अगर बहुत शदीद बीमारी है तो फिर उम्मीदन हम दवाइयां और साथ साथ अलॉन्ग साइकोथेरेपी एडवाइस करें। ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर, हमने ये भी देखा है कि अगर हम अद्वियात के साथ साथ साइकोथेरेपी को एक साथ इस्तेमाल करें, रिसर्चेस ये कहती है कि बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है मरीज के अंदर, मरीज बहुत बहुत बेहतर महसूस करते हैं और उनके ऑब्सेशन और कंपल्शन बहुत कम हो जाते हैं। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा हमें कि बहुत सी बीमारियां होती हैं जिसके वजह क्या ये बन सकती है, ओसीडी क्या और दूसरी बीमारी की वजह बन सकती है? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये ख्यालात और वहम जो है वो मरीज के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट, बहुत डिस्ट्रेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी पैदा कर रहे होते हैं। ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये एंजाइटी की बीमारी या एंजाइटी डिसऑर्डर की बीमारी भी पैदा कर सकते हैं या लीड कर सकती है ये बीमारी। सही सही। दूसरा ये कि चूंकि इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गिल्ट भी बाद मरीजों को आता है, बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक थॉट आती है, तो ये डिप्रेशन को भी लीड कर सकती है। ठीक है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिसको जो बिल्कुल ये ओसीडी के साथ भी होती हैं अक्सर, और ये ओसीडी को लीड भी कर सकती है, ओसीडी इन बीमारियों को पैदा भी कर सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यही बताइएगा कि अगर किसी इंसान को ओसीडी है, वहम की बीमारी है, और उसको बार बार ये टोकने से या छोटी छोटी बातों में, हम अक्सर कह देते हैं ना कि यार तुम्हारा वहम होगा, नहीं तुम तो वहम करते हो, मतलब ये खामखा का वहम करते हो, इससे भी कुछ असर पड़ता है? नहीं, उन्होंने हम जो मरीजों की फैमिलीज को एडवाइस करते हैं वो ये करते हैं कि इस केस के अंदर मरीज को यह है कि मरीज को आपने, अगर आपको लगता है कि उनको कोई बीमारी है तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे क्योंकि नफसियाती बीमारियां जो है वो या साइकेट्रिस्ट के पास जाना जिससे स्टिग्मा कंसिडर किया जाता है, लोग बुरा समझते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए या इतना अच्छा नहीं तस्वर किया जाता है साइकेट्रिस्ट के पास। तो अगर ऐसा फैमिली में किसी को है, लगता है कि बीमारी है, तो इसको उसको आप अगर वो मरीज ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तो उसकी उस लिहाज से हौसला अफजाई की जाए कि भाई उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है और उसको सपोर्ट किया जाए अगर वो दवा लेना चाह रहा है या वो थेरेपी कराना चाह रहा है। तो इस केस में ये है कि अगर इस तरह की फैमिली इस तरह से सपोर्ट करे कि इलाज की जरूरत है और ऑपरेट करें या सपोर्ट करें तो फिर बहुत मददगार साबित होता है इस बीमारी को कम करने में, अगर फैमिली सपोर्ट कर गई और फैमिली जो है वो ऑपरेट कर गई है ट्रीटमेंट के हवाले से। राइट जी, आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान से प्रोग्राम जी सेहत की बात वेरिक के साथ, एंड दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वेरिक फार्मास्यूटिकल्स। डॉक्टर माहिरा शफी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री एंड एट बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद है, और डॉक्टर साहब से बहुत अहम बात हो रही है वहम के हवाले से, और वहम की बीमारी, इसकी वजूहात और कितनी कॉमन है, इसकी इकसाम क्या है, तमाम सवाल जो हैं और बेशुमार और सवाल भी हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ओसीडी में कब आपको डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना चाहिए, ये हमारे जो सुनने वाले हैं और जो देखने वाले हैं उनको बताइए। जी देखिए, एक तो एक माइल्ड फॉर्म ऑफ इलनेस होता है जिसको हम कहते हैं कि अलामात बहुत हल्की होती है, उन्होंने ये देखा गया है कि ये अलामात जो है वो खुद ब खुद जो है वो बेहतर भी हो जाती है। उमूमन मरीज बहुत अरसे तक जब होते हैं वो बेहतर रहते हैं और बगैर दवाइयों के या बगैर थेरेपी के जिंदगी गुजार रहे होते हैं। कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि अगर कोई जहनी दबाव या कोई स्ट्रेस आए तो भी ये बीमारी जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपको अगर कोई स्ट्रेस आया है और आपको लगता है कि आपकी बीमारी बढ़ गई है, आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज्यादा आप इसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर हो रही है, आपकी फंक्शनल एक्टिविटीज मुतासर हो रही है, या
अगर आपकी अलामतें जो है वो बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई, आप दिन का बेशतर हिस्सा जो है वो ऑब्सेशन या कंपल्शन जो इसको अमल जो बार बार दोहराने का जो अमल अगर वो कर रहे हैं और आपकी आपको बहुत तकलीफ हो रही है उससे, आपकी लगता है कि आपकी जिंदगी जो मुश्किल हो गई है, तो इस सूरत में आप डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आप बताइएगा कि जो रेशो है इस बीमारी का दुनिया भर में कितना है, और अगर स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आया ये बढ़ रही है बीमारी, या मतलब इसे एक नॉर्मल उसमें कहें कि हाँ ये होती है। देखिए, मैंने आपको डिफरेंट फैक्टर्स बताए कि स्ट्रेसर्स होते हैं, जिंदगी में तब्दीली होती है, तो ये कहना तो ऐसा नहीं है कि बढ़ रही है इस वक्त ये बीमारी या कम हो रही है, इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है कि क्या है, लेकिन ये है कि कुछ मैंने कॉजेज और फैक्टर्स आपको बताए हैं कि ये चीजें होती हैं तो ये बीमारी बढ़ सकती है। वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है इंडिविजुअल फैक्टर्स के ऊपर, जीन्स हैं उसमें, स्ट्रेसर्स हैं, चेंजेस है लाइफ के अंदर, पर्सनैलिटी है, सोचने का अंदाज है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो बीमारी को बढ़ा सकते हैं। ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल बहुत वेरी करता है। अच्छा, तो ये इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, बताइए हर इंडिविजुअल हर इंफरादी शख्स का अपनी एक हिचकी होती है, जब हम पेशेंट को देखते हैं तो वो हर इंफरादी शख्स से एक डिटेल हिचकी ली जाती है, उसकी पास हिचकी के हवाले से, उसकी पर्सनल हिचकी, उसकी शख्सियत, उसकी फैमिली हिचकी, उसकी सिम्टम्स की हिचकी। सही सही, तो ये डिटेल प्रोसीजर होता है बातचीत का पेशेंट से, फिर जाके हम इसकी जो है वो डायग्नोसिस इस बीमारी की करते हैं। सही, ठीक है जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माहिरा शफी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री एंड पकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा ओसीडी का इलाज क्या है, जो हमारे देखने वाले सुनने वाले, इलाज क्या है इसका। जी, मैंने पहले जैसे अर्ज किया कि दो तरीके इलाज के होते हैं, साइकोथेरेपी और एक एंटी डिप्रेसेंट अदवियात होती है। सही, साइकोथेरेपी के अंदर एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट का मेथड है, कॉग्निटिव थेरेपी है, मॉडलिंग है, थॉट शॉपिंग है, थॉट ब्लॉकिंग की टेक्निक है, ये कुछ तरीकाकार है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इनको। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए अगर हम अद्वियात की तरफ, तो जो दवाइयाँ अद्वियात हम देते हैं वो उमूमन हम एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, ये वही दवाइयाँ होती हैं जो हम डिप्रेशन को ठीक करने के लिए मरीज को दे रहे होते हैं। ठीक है। अच्छी बात ये है कि अगर मरीज जो है वो जो रिसर्चेज हैं जो हम मरीजों के अंदर देखते हैं, वो देखते हैं कि इस बीमारी को, इस दवाई को लेने के बाद या दवाइयों को लेने के बाद मरीज के ऑब्सेशन के कंपल्शन बहुत हद तक कम हो जाते हैं। सही। और इसको अगर साइकोथेरेपी के साथ भी हम एडवाइस करते हैं दवाइयों को, या फिर इन दवाइयों को अकेले भी जो है वो एडवाइस करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी देखा गया है 3 से 6 माह के अंदर मरीज को जो है वो काफी हद तक फायदा हो जाता है इन दवाइयों से। अगेन वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, वो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे अवामिल होते हैं उसको जो इस बात को डिसाइड करते हैं कि मरीज को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं, कितना ठीक होगा, वो सारे बहुत सारे फैक्टर्स। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है बार बार कि अगर हमें लगता है कि मरीज को 3 महीने तक कोई फर्क नहीं आया या मरीज बिल्कुल ठीक नहीं आया, तो फिर उन्होंने दवाइयों को चेंज भी कर देते हैं। और फिर अगले एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है कि फॉलो अप पे पेशेंट आता है हमारे पास, हम ये देखते हैं कि उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, मरीज को कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, मरीज को दवा सूट कर रही है नहीं कर रही है। सही। तो उन्होंने ये देखा गया है कि बहुत हाई मरीजों के अंदर जो है ब्याज से बहुत फायदा होता है, मरीज की बीमारी काफी हद तक बेहतर होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो ओसीडी का जो मरीज होता है उसको कितनी तवज्जो उसके ऊपर देनी चाहिए। Sorry? जो मरीज होता है वहम का, जो जैसे हम कहते हैं ना, हमारे घर में अगर हमारे कोई है और आपके पास अगर कोई है, तो उस पर तवज्जो कितनी देनी चाहिए, उसकी बात कितनी सुननी चाहिए, कितना गौर करना चाहिए, मतलब उसकी फिक्र कितनी करनी चाहिए, या आम उसको। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो एक तो चीज ये होती है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज है जिसका रवैया आपको लग जाए कि वहम वाला रवैया है, और जिसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने ये भी देखा गया कि अगर शदीद बीमारी हो तो क्योंकि मुझे कंपल्शन के जो रिपीटेशन के जो प्रोसेस होता है जिसमें मरीज बार बार कुछ अमल को दोहरा रहा होता है, तो वो मरीज के लिए भी मुश्किल होता है, मरीज के घर वालों के लिए भी मुश्किल होता है। अच्छा। इस चीज मरीज की फैमिली को ये बात जो है उसका ये रवैया बाज़ दफा परेशान कम होता है, और उनको समझ नहीं आ रहा होता है ये रवैया क्यों है।
तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करनी चाहिए उनको कि ये रवैया वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक मुश्किल से गुजर रहे हैं और मुश्किल वक्त में है और वो भी बीमारी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज के अंदर सबसे पहले तो हम मरीजों के अटेंडेंट को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मरीज का ये रवैया बीमारी की वजह से, ये जानबूझकर नहीं कर रहा है या फिर ये कोई आपको तंग नहीं कर रहा है, क्योंकि बीमारी है तो इसकी वजह से ये मसला कर रहा है। तो उस केस के अंदर जो है वो हम मरीजों के अटेंडेंट को भी हौसला अफजाई करते हैं कि वो इलाज में ताउन करें, इसकी मदद इसी तरह से सबसे बेहतरीन मदद तो ये हो सकती है कि इलाज में जितना ताउन करें और जितना जल्दी इस बात को रियलाइज कर लें कि मरीज को इलाज की जरूरत है। सही। तो फैमिली को ये समझाना पड़ता है, फिर पेशेंट को भी समझाना पड़ता है कि उसकी बीमारी है तो उसको इलाज की जरूरत है। तो फैमिली की हम इस तरह से काउंसलिंग करते हैं कि जितना वो इस बात को समझेंगे और इनको इलाज की जरूरत है उतना मरीज के लिए ज्यादा आसानी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइए, एक अहम बात ये कि आया कि ये सवाल भी उठता है कि खानदान में कोई वहम का मरीज था, ओसीडी का मतलब मरीज था, या उसके बाद अब तुम भी मरीज हो गए, ऐसा होता है या जरूरी नहीं है? देखिए जी, वो तो मैंने डिस्कस किया ना कि कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर जिनकी हम वजूहत की जब बात की तो हमने ये डिस्कस किया था कि जेनेटिक बहुत इम्पोर्टेंट है, जीन जो होती है कुछ उससे ये चीजें ट्रांसमिट हो सकती है। अच्छा। तो अगर किसी फैमिली के अंदर किसी को ये मर्ज है तो हो सकता है कि फैमिली के दूसरे शख्स को भी ये मर्ज हो जाए। ठीक है। ठीक है जी, इलाज के बारे में भी हमने बात की और जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उस हवाले से भी हमने बात की। हमने ये बात भी की कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और बेहतरीन तरीका इलाज मतलब जो है इसका साइकोथेरेपी है या अद्वियात है, इस हवाले से डॉक्टर साहब ये बताइएगा इसकी दवाई कितने अरसे तक लेनी चाहिए जो दवाई। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारे अवामिल इस बात पे डिपेंड करते हैं और उसका फैसला किया जाता है कि उसकी दवा कितने अर्से तक चलानी। उन फैक्टर्स और अवामिल में पेशेंट की बीमारी की शिद्दत, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट की शख्सियत, पेशेंट का कंप्लायंस, कितना रेगुलरली वो दवा ले रहा है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो इस बात पर डिसाइड करते हैं कि काउंसलिंग नहीं हो, प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है आगे जाके। हाँ जी, देखिए अगर मैंने पहले ही डिस्कस किया कि अगर हल्की या कम अलामतें हैं तो मरीज वक्ती तौर पर बेहतर हो जाते हैं या एक अच्छी लाइफ गुजार लेते हैं। सही है। लेकिन अगर मरीज दरमियाने दर्जे का जो शदीद है तो उमूमन इस केस के अंदर जो है थोड़े इलाज की जरूरत जो है वो पेश आती है। ठीक है। तो और उमूमन एडवाइस भी यही किया जाता है, अगर आप किसी भी डॉक्टर से भी मशवरा करें तो आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप उसके इलाज को इस बीमारी के दरमियाने या शिद्दत वाली बीमारी का इलाज करवाना जरूरी है। और उमूमन ये भी देखा गया है कि इस बीमारी के इलाज से काफी हद तक ऑब्सेसिव या कंपल्सिव जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं और बीमारी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है। अगर ये बीमारी शिद्दत की है तो फिर इस केस के अंदर मरीज के खुद के लिए बहुत डिस्ट्रेक्शन होता है, ये सिचुएशन उसके लिए उसको बहुत उसको एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, उसका खौफ आता है उसको। और जैसे मैंने बताया कि बीमारी एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन को भी पैदा कर सकती है। सही 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 सही। दूसरा ये कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मुतासर हो रही होती है, अगर बहुत ज्यादा शिद्दत की बीमारी है तो फिर मरीज के खुद के लिए भी मुश्किलात होती है। बाद में ऐसा होता है कि उसके वो अपने इन एक्टिविटीज के अंदर अपनी फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करने लगते हैं जिसकी वजह से फिर फैमिली मेंबर्स भी बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं। सही। तो ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मुतासर हो रही है बीमारी की शिद्दत डिपेंड करते हैं। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि मरीज जो इसका होता है वहम का, कितने अरसे में ठीक हो जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। लेकिन फिर वही अगेन वही बात है कि इसमें बहुत सारे अवामिल और फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व है कि मरीज कितने अरसे में ठीक होगा। बहुत ज्यादा मैं वो नहीं बता सकती कि इतने अरसे में मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन जो फैक्टर्स है जो अवामिल हमें हेल्पफुल होते हैं उसके अंदर अगेन पास्ट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की शख्सियत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट का दवाइयों से कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दवा कितनी रेगुलरली और कितने
डॉक्टर्स की एडवाइस को कितना अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है राइट जी। प्लस मरीज की शख्सियत, पास हिस्ट्री, बहुत सारे अवामिल हैं, चीजों को देखते हुए फिर डिसाइड होता है कि दवा कितने अच्छे तक चले। ऑलराइट जी, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मायरा शफी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकैट्री एट बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक था जी ओसीडी क्या है, और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं वेरिक फार्मास्यूटिकल के ताबन से। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, फैसल अली खान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum, Pakistan.